कोविड-19 की इस महामारी के दौरान प्रशासन के कर्मचारी लगातार लोगों की सुरक्षा एवं सहायता में रात दिन एक कर रहे हैं। वहीं इस संकट की घड़ी में बनखेड़ी के कुछ समाज सेवी लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भूखे एवं निराश्रित लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई। उनके द्वारा न सिर्फ भोजन को बनाया गया बल्कि घर घर जाकर उसे वितरित भी किया गया। आइए इस संकट की घड़ी में भूखे एवं निराश्रित लोगों को खाना खिलाने वाले समाज सेवियों से मिलते हैं, जो बने हैं हमारे आज के कोरोना कमांडो। ये हमारे द्वारा बनखेड़ी में जो निस्वार्थ रूप से जो सेवा दी जा रही है, उसमें गरीब मजदूर हिमाल विधवा बुजुर्ग असहाय लोगों के लिए भोजन तैयार करवा के स्तर है और बनखेड़ी में हमारे द्वारा वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारा प्रशासन से पूरा तालमेल बनाते हुए हमने इस कार्य को बड़ी अंदर के मनोभाव के साथ हमने इसको तैयार किया है, जिससे एक संदेश जाए और इस देश में इस विषम परिस्थिति में इस विश्व आपदा में कोई भी व्यक्ति भूखा न सो पाए, इस संकल्प के साथ हम इस कार्य को में निरंतर लगे हुए हैं। श्री हनुमान व्यायामशाला बनखेड़ी के संचालक हिमांशु वात्रे पिता श्री मधु वात्रे जी द्वारा आज हमारे देश में जो महामारी आई है, इस से निपटने के लिए बनखेड़ी में लगभग 100 गरीब परिवारों में निरंतर इनके यहाँ से भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हमारे साथ में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं, ये हिमांशु वात्रे और ये उनकी पूरी फैमिली और हमारे साथ में मित्रगण, जो कि हर रोज यहाँ पर पूड़ी और सब्जी बनाकर लगभग 100 गरीब परिवारों में वितरित करने जाते हैं, जिससे कि हमारे शहर में जो भी गरीब परिवार हैं, जिनमें कोई भूखा ना रह सके, ऐसी हमारी यहाँ पे धारणा बन चुकी है, ताकि हमारे यहाँ पे ये हर संभव प्रयास हो सके कि कभी भी अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो हम इससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद।